हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सके वीडियो की जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ उसकी। सो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। हम असेसमेंट कैसे करेंगे ब्रेस्ट की। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या होती है? इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न कल्चर। जो ब्रेस्ट है वो हमारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मॉडर्न कल्चर के अंदर। ऑफन व्यूड एज मेजर्स ऑफ सेक्सुअलिटी। किस कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे व्यू होती है हमारी सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या होता है? जो हमारे सेक्स करेक्टर्स हैं वो। फर्मिनिटी क्या होता है? हमारे जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं किसके रिगार्डिंग, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वुमेंस के उसके अकॉर्डिंग। एंड अट्रैक्टिवनेस, और जो हमारी अट्रैक्टिवनेस होती है जिसे हम बोलते हैं आकर्षण, अट्रैक्टिव हम होते हैं जिससे। बिकॉज इट इज़ विजिबल, क्योंकि जो इसका साइज़ है हमारा ब्रेस्ट का वो इंक्रीज़ होता है और जो शेप है वो भी चेंज होती है। हाउएवर इट इज़ अ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, इसलिए ये क्या हमारा सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। इट्स साइकोलॉजिकल फंक्शन, जो इसके साइकोलॉजिकल फंक्शन है। साइकोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से? हमारे जो कि नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग एंड देयर पार्ट्स। जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं या फिर जो हमारे पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें फंक्शन इज मिल्क सिक्रेशन। इसका फंक्शन क्या है हमारी ब्रेस्ट का? मिल्क सिक्रेशन टू फीड इन्फेंट। जो हम इन्फेंट को फीड करते हैं उसके लिए मिल्क सिक्रेशन का ये काम करती हैं। देन उसके बाद है हमारी एसेसरी। जो ब्रेस्ट है वो कौन कौन, ये हमारी एसेसरी ब्रेस्ट है हमारी। देन जो है हमारी, ये हमारा एसेसरी जो निप्पल्स हैं ये हैं। मेमोरी क्रेस्ट, जो हमारी मेमोरी क्रेस्ट रिड्स जिसे बोलते हैं, ये हमारी वो है, ये हमारी लाइन है जो ये है हमारी मेमोरी क्रेस्ट। देन उसके बाद हमारे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है ब्रेस्ट की? बॉडी ऑफ सेक्टम, ये हमारी है बॉडी हमारी सेक्टम की। देन उसके बाद हमारा साइड ऑफ एक्सिलरी, जो हमारी प्रोसेस है उसकी टेल जिसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा एंट्री एक्सिलरी फोल्ड है, ये हमारा इंटरमीडिएट क्लेफ्ट है। ये हमारा जो बीच में होता है वो हमारा निप्पल होता है, जिसको साइड जो आउटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एरेला। उसके बाद है हमारा जो सप्लीमेंट्री जो निप्पल होते हैं वो हमारे थोड़े से नीचे होते हैं, जो हमारा निप्पल है उससे थोड़े से नीचे होते हैं, तो हम इसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। एनाटॉमी करेंगे हम ब्रेस्ट की। फर्स्ट हमारी मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कौन से होते हैं? जो हमारी मिल्क सिक्रेट करती हैं। लोकेटेड विद इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द ब्रेस्ट, ये क्या होते हैं? हमारी हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है हमारी ब्रेस्ट की। हाइपोडर्मिस क्या होता है? ये हमारी लेयर होती है हमारे टिश्यू की, जो कि लोकेटेड होती है बीच में बीनीथ द क्यूटाइल, जो हमारी क्यूटाइल जो लेयर होते हैं उसके बीच में। क्यूटाइल लेयर कौन सी होती है? हमारी जो डेड स्किन होती है, हमारी फेस होता है फिंगर नेल जिसकी प्रोजेक्शन होती है, एंड जो आउटर सेलुलर लेयर होती है हमारी हेयर्स की। ऑफ द ब्रेस्ट एंटीरियर टू द, जो हमारा पेक्टोरल जो मसल है, पेक्टोरल मसल कौन सी होती है हमारी? जो कि एक बल्की फॉर्म में होती है हमारी, इन द चेस्ट मसल, चेस्ट मसल के अंदर। इट लाइज अंडर द स्किन, ये क्या कहाँ पे होते हैं? हमारी जो चेस्ट का है उसके अंडर होती है हमारी। मेजर इज अ थिक, ये कैसे होते हैं? थिक होती है, फैन शेप्ड होती है और ट्रेंगुलर होती है हमारी। देन उसके उसी मेमरी ग्लैंड में हमारा सेकेंड पॉइंट, हमारा कंसिस्ट ऑफ 15 और 25 लोब। ये हमारी कंसिस्ट करते हैं 15 से 25 लोब्स तक। दैट रेडी, जो हमारी क्या करती है? रेडिकेट करती है हमारी अराउंड एंड ओपन एट द निप्पल, जो कि हमारे जो निप्पल है अराउंड होती है हमारी। रेडिकेट यहाँ पे क्या मतलब है? रेडिकेट का हमारी एमिट करती है हमारी फॉर्म्स करती हैं रेज को और वेव्स को। अराउंड हमारा जो निप्पल है उसके अराउंड होती है एंड ओपन एट द निप्पल, और जो निप्पल ओपन होता है उसके टाइम पे। ईच लोब इज सेपरेटेड बाय जो फाइब, जो हर एक लोब है वो सेपरेट होते हैं किसी, जो हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर जो हमारा फैट है उससे ये सेपरेट होती है। देन उसके बाद है हमारा एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट में नेक्स्ट क्या? हमारा लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या होते हैं हमारे? लोब्यूल्स ये इस जो हमारे स्मॉल लोब्स हैं उससे मिलकर लोब्यूल्स बना हुआ होता है। ये कहाँ पे एनक्लोज्ड होते हैं? विद इन द लोब, लोब के अंदर ये एनक्लोज होते हैं। कंटेन्स ग्लैंडुलर एल्वोलाई, ये क्या करते हैं? हमारी जो ग्लैंडुलर एल्वोलाई है वो कंटेन करते हैं। ग्लैंडुलर एल्वोलाई क्या होता है? हमारा जो रिलेटिंग करते हैं और अफेक्ट होते हैं हमारी ग्लैंड में, जो कि एयर सैक्स, जो थिक एयर सैक्स हैं उसके जो एंड में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रोंकियल, जो हमारे ब्रोंकियल्स हैं उसके जो एंड में प्रेजेंट होते हैं हमारी एल्वोलाई, वो
दैट प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन. ये क्या काम करते हैं, हमारी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग जो हमारा लैक्टेशन का जो पीरियड है उसके टाइम पे. देन उसके बाद है हमारा लैक्टिफेरस डक्ट्स. लैक्टिफेरस डक्ट्स कौन सी होती है हमारी, लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द निपल. जो हमारी लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, लैक्टिफेरस डक्ट कौन सी होती है जो हमारी फॉर्मिंग करती है हमारी मिल्क की और जो कन्वे करते हैं मिल्क को, उसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस. ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द निपल, ये कहाँ पे होती है, हमारी जो निपल है उसके आउटसाइड में ओपन होती है. देन उसके बाद हमारा लैक्टिफेरस साइनस. लैक्टिफेरस साइनस क्या है, लैक्टिफेरस साइनस है एज एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस. ये हमारा एक्सप्रेशन होता है लैक्टिफेरस डक्ट का एट द बेस ऑफ द निपल, जो हमारे निपल के बेस पे होता है. इन विच मिल्क एक्यूमलेट, जहाँ पे जो मिल्क है वो एक्यूमलेट होता है. डायलेट रीजन वेयर मिल्क एक्यूमलेट, जो हमारा डायलेट रीजन होता है जो कि हमारा वाइडर होता है या फिर लार्ज होता है या फिर ज़्यादा ओपन होता है, उसे हम बोलते हैं डायलेट रीजन ऑफ मिल्क एक्यूमलेट्स. देन नेक्स्ट है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट. सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे कौन से होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी पार्ट को स्पेशली एंड ऑर्गन किसके स्पेशल पार्ट को. फॉर्म्ड बाय द इंटरलोबलर कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे फॉर्म होते हैं, जो हमारे इंटरलोबलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये उससे फॉर्म होते हैं. इंटरलोबलर कौन से होते हैं हमारे, जो कि सिचुएटेड होते हैं हमारे बिटवीन द लोब्स ऑफ एन ऑर्गन, जो हमारे लोब्स के बीच में सिचुएटेड होते हैं. अटैच द ब्रेस्ट, ये क्या करते हैं हमारे, अटैच होते हैं ब्रेस्ट टू मसल्स फेशिया, जो हमारा मसल्स है फेशिया का, फेशिया यहाँ पे क्या हमारे जो कि सराउंड्स होते हैं हमारे कॉर्पस मेमिया के. कॉर्पस मेमिया क्या होता है, हमारा मास ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि मिल्क सिक्रेटिंग का काम करता है फीमेल मैमल्स के अंदर. एंड इंसाइज इन द टू लेयर्स, और ये टू लेयर्स में होते हैं ऑफ फैट, जो हमारे फैट होता है उसके और जो हमारा फेशिया है उससे. एंड टू डर्मिस प्रोवाइडिंग नेचुरल सपोर्ट, और ये क्या करते हैं हमारी डर्मिस प्रोवाइड करते हैं हमारी नेचुरल सपोर्ट को. डर्मिस क्या होते हैं हमारी, ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है और ये सैंडविच टाइप में होते हैं बिटवीन किस किस के बीच में होते हैं, हमारे एपिडर्मिस और जो हमारे सबकॉन्टिन्यूअस जो टिश्यू है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये. देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरोला टिश्यू कौन सा होता है, हमारा एरोला कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा रिंग ऑफ पिगमेंटेड, ये हमारी रिंग होती है पिगमेंट की स्किन की विच सराउंड द निपल, जो हमारे जो निपल है उसको सराउंड करती है. एरोला क्या होती है, हमारी सबकॉन्शियस जो ग्लैंड होती है वहाँ पे होती है, ये स्मॉल ऑयली प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारी स्किन के अंदर मैमल्स के अंदर. नेक्स्ट के बाद क्या, हमारा लार्ज जो हमारी सबकॉन्शियस जो ग्लैंड होती है हमारी, गिव इट ए बम्पी टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है, बम्पी टेक्सचर. बम्पी टेक्सचर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो फाइब्रोसाइट्स हैं ब्रेस्ट के वो कंपोज होते हैं हमारे टिश्यू के अंदर जो कि फील कराते हैं हमें लंपी, और ये कैसे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में रोप लाइक ये टेक्सचर में होते हैं प्रेजेंट होते हैं. बम्पी टेक्सचर एंड प्रोड्यूस सीबम. सीबम क्या होता है, ये हमारी ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसे हम वैक्सी सब्सटेंस बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करते हैं. दैट रिड्यूसेस चेपिंग, जो कि क्या रिड्यूस करते हैं हमारे चेपिंग जो है, चेपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्ड हो जाना या फिर जो हमारे रफ है या ड्राइनेस आ जाती है हमारे वो, एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन. देन उसके बाद आता है हमारा निपल. निपल क्या होता है, हमारा निपल होता है हमारा राउंड प्रोट्रशन जो पार्ट होता है दैट कंटेन्स द आउटलेट, जो कि कंटेन करता है हमारे आउटलेट्स को ऑफ द लैक्टिफेरस डक्स, जो हमारे लैक्टिफेरस डक्स हैं उसे ये फॉर्म करता है. निपल क्या वैसे हम और अदर फॉर्म में कैसे बोल डिस्क्राइब कर सकते हैं निपल को, जो कि हमारा प्रोस्ट्रूशन. प्रोस्ट्रूशन क्या होता है, समथिंग दैट प्रोड्यूस्ड जो कि है एक्सटेंड होता है हमारा बियॉन्ड और ए बोन ए सरफेस, जो हमारे किसी भी सरफेस पे जो बियॉन्ड होता है. लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डिलीवरिंग द मिल्क, मिल्क को डिलीवर करने के लिए टू द सरफेस ऑफ द स्किन, हमारी जो स्किन है उसके सरफेस से एंड आउट टू द मदर, और हमारे जो मदर का जो पार्ट है वहाँ से आउट करने के लिए थ्रू टीनी पोर्स इन द निपल, जो हमारे निपल के जो टीनी पोर्स होते हैं उसे मूव आउट करने के लिए. देन ये हमारे क्वाड्रेंट्स है ब्रेस्ट के. क्वाड्रेंट्स फोर, हमारे फोर क्वाड्रेंट्स हमारे, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं इनमें से, जो हमारी क्लॉक है हम उससे इसे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमारे 12 o'clock, यहाँ पे 3 लिख रखा है, यहाँ पे हमारा 6 लिख रखा है, यहाँ पे हमारा 9 लिख रखा है. सो इसमें हमारा फर्स्ट हमारा एक्सिलरी प्रोसेस हो गया, हमारा सुपीरियर लेटरल हो गया हमारा, देन हमारा इन्फीरियर लेटर हो गया, सुपीरियर मेडियला हो गया, हमारा निप्पल हो गया, हमारा एरोला हो गया, हमारा एंड हमारा हो गया इन्फीरियर मेडियल
सो फर्स्ट है हमारा अपर मेडियल क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, लोअर मेडियल क्वाड्रेंट एंड लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। ये हमारा डायग्राम है जो हमारी फीमेल ब्रेस्ट उसका डायग्राम है। यहाँ पे क्या है हमारी सस्पेंसरी जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। उसके बाद है हमारी फैट जो लोबुल है वो आ गई, हमारी लैक्टिफेरस साइनस आ गया, हमारा एरल आ गया, हमारा ये क्या हमारा निप्पल हो गया हमारा, जैसे जो मिल्क है वो सिक्रेट करता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स हो गई ये वाली हमारी। देन उसके बाद हो गए लोबुल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये हमारे हो गए लोबुल्स हो गए हमारे मेमरी ग्लैंड के। ये फिर हो गए हमारी सिक्स्थ रिब हो गई हमारी। देन उसके बाद हमारा पेक्टोरल फेसिया हो गया हमारा, लोबुल्स ऑफ जो मेमरी ग्लैंड्स है उसके लोबुल्स हो गए, लोब्स हो गए, एल्वोलाई यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं सैकलाइक स्ट्रक्चर्स वो हो गई हमारी। उसके बाद हमारा है जो हमारा सबकॉन्शियस जो टिश्यू है वो प्रेजेंट हो गया हमारा, देन एक्सेट्रा। ये हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे हमारी पूरी वीडियो के अंदर, सो प्लीज़ केयरफुली। उसके बाद हमारा ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कैसी होती है हमारी, ये आपका डायग्राम है, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई होती है ये आपका डायग्राम है। देन उसके बाद आपका है वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेजन कैसे होती है हमारी जो वुमेन ब्रेस्ट के अंदर। सो फर्स्ट हमारा ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कैसे होती है, फर्स्ट हमारा आर्टरीज के अंदर कैसे होती है हमारी ब्लड सप्लाई। आर्टरीज़ के फर्स्ट है हमारा एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी जो आर्टरी है वो क्या करती है, ये एक लेयर होती है हमारी ब्लड वेसल्स की जो कि कन्वे करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द जो हमारी थोरेक्स है, जो हमारा एक्सिला है, हमारा एम्प्रिट है हमारा, एंड द जो हमारा अपर लिम्ब है वहाँ तक। देन उसके बाद आता है हमारा इंटरनल थोरेसिस आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज आर कॉल्ड मेमरी, जो हमारा इंटरनल जो थोरेसिस आर्टरी है, इंटरनल थोरेसिस आर्टरी कौन सी होती है, जिसे हम पहले जो प्रीवियसली बोलते थे हम इंटरलेयर जो मेमरी आर्टरी है वो बोलते थे, जो कि हमारी आर्टरीज होते हैं जो कि सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर चेस्ट वॉल से ब्रेस्ट तक, इसे हम क्या बोलते हैं हमारे मेमरी। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी कौन सी होती है, ये हमारी ग्रुप होता है आर्टरी का जो कि सप्लाई करता है किस एरिया के बिटवीन में, जो हमारा एरिया है रिब्स का उसके बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं कोस्टिया, COSTAE कोस्टिया। देन उसके बाद आ गया हमारा वीनस ड्रेनेज, वीनस सप्लाई कैसे होती है हमारे ब्लड की, सब एलोरल वीनस जो प्लस है वो कैसे होता है, हमारा प्लक्स कैसे होता है, हमारा जो सेपी स्वेप है हमारा, एंड जो हमारा डिफेशियल प्लक्स है हमारा, और इस जो ये क्या होता है, ये हमारा कनेक्ट होता है विच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट होता है थ्रू फाइबर स्टैंड, जो हमारा फाइबर स्टैंड्स है उसे कनेक्ट होता है ट्रांसवर्सिंग द ब्रेस्ट टिश्यू, और किससे करता है ये हमारा जो ट्रांसवर्स करता है हमारा ब्रेस्ट टिश्यू को। यहाँ पे क्या होता है जो हमारा सेपी स्वेप होता है, सेपी स्वेप क्या होता है SAPPEY स्वेपी, SAVP स्वेपी, स्वेप का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे स्वेप की, जो हमारा सेक्सुअल असेक्ट एंड जो हमारा वॉयलेंस प्रिवेंशन होता है उसे हम बोलते हैं स्वेप। नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरकोस्टल वेंस, इंटरकोस्टल वेंस कैसे होती है हमारी, इंटरकोस्टल वेंस कौन सी होती है हमारी, जो कि ग्रुप होती है हमारे वेंस का विच ड्रेन द एरिया बिटवीन द रिब्स, जो कि ड्रेन करते हैं हमारे बिटवीन द एरिया, जो हमारा एरिया है रिब्स का उसके बीच में। देन उसके बाद आ गया हमारा इंटरवर्टिब्रा वीनस प्लस वेन्स, जो हमारी इंटरवर्टिब्रा वीनस प्लस वेन है वो कैसे करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं इंटर स्पाइनल वेन्स भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि लाई करती है हमारे विद इन द जो वर्टिब्रल कैनाल है, वर्टिब्रल कैनाल कौन सी होती है हमारी, जो कि हमारा स्पेस होता है क्या काम करता है, जो स्टोर्स होते हैं हमारे इंटरगल जो पोर्शन होता है हमारा CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसमें जो स्टोर करते हैं फूड को। द एपिडिकुलर जो स्पेस होता है हमारा ये कौन सा होता है हमारा एपिडिकुलर स्पेस, जो कि एरिया होता है हमारा बिटवीन द डोरा मैटर का जो हमारा स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं एपिडिकुलर स्पेस। एंड रिसीव और क्या करते हैं हमारे, रिसीव करते हैं हमारी ट्रिब्यूटरी क्या होती है हमारी, स्मॉलर ब्रांच होती है हमारी जो कि ट्रेनिंग करती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन द ब्लड इन टू द लेयर फ्रॉम द बोन्स तक एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड तक। देन उसके बाद आ गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपका डायग्राम लिम्फेटिक सिस्टम का, ये हमारा डायग्राम लिम्फेटिक सिस्टम का, तो आप केयरफुली देख सकते हैं और आपको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज का डायग्राम।
उसके बाद हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कौन कौन सी होती है? हमारे फर्स्ट है हमारा एपिकल लिम्फ नोड। एपिकल लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये हमारी एपिकल ग्रुप होता है हमारा 6 to 12 ग्लैंड्स का, जो कि सिचुएटेड होता है हमारा पार्शली जो पोस्टीरियर होता है, जो हमारा पीछे का साइड होता है हमारा, टू द अपर पोर्शन ऑफ द जो हमारा पेक्टोरल्स होते हैं हमारे मिरर की, एंड पार्शली अबाउट द अपर ब्लैडर ऑफ द मसल। और जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे जो अपर ब्लैडर का जो पार्ट होता है हमारे मसल्स का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पे वर्ड बोला था पेक्टोरल्स। पेक्टोरल्स का मतलब क्या होता है हमारा? रिलेटिंग टू द ब्रेस्ट और चेस्ट। देन उसके बाद क्या हमारा सेंट्रल जो हमारा लिम्फ नोड, सेंट्रल लिम्फ नोड क्या होती है हमारी? सेंट्रल लिम्फ नोड में होता है हमारा ये एक सेंट्रल और जो हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप होता है हमारा 3 or 4 लेयर्स का हमारे ग्लैंड्स का, जो कि एम्बेडेड होता है हमारा, फिक्स होता है हमारा कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू के अंदर, जो कि मेयर करता है हमारे बेस को। एक्जिला के जो बेस है वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है। अंडर द शोल्डर, ये हमारे शोल्डर के अंदर होता है, नीचे होता है हमारा, जो कि होलो पार्ट होता है। आप एग्जामिन कर सकते हैं जो आपको होलो पार्ट होता है आपके शोल्डर के अंदर, उसे हम बोलते हैं एक्जिला। वेयर द आर्म कनेक्ट टू द शोल्डर, जो कि शोल्डर को कनेक्ट करता है हमारे आर्म्स तक, उसे हम बोलते हैं एक्जिला। जो कि हमारे शोल्डर के जो जॉइंट है उसे आर्म तक कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एक्जिला। देन उसके बाद आ गया हमारा एंटीरियर एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है, वो हमारा 75% होता है। वो कहाँ पे होते हैं? 75% होते हैं ये हमारी ये लिम्फ नोड होते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन जो हमारा एम्फिट के अंदर होते हैं। एम्फिट को क्या होता है? जो हमारा होलो पार्ट होता है हमारा शोल्डर के अंदर, ये क्या करते हैं? हमारे बिटवीन होते हैं किसके बीच में? 20 and 49 इन नोज नंबर, जो कि हमारा 20 और जो 49 नंबर है उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे इंटरल जो वर्टिब्रल लिम्फ नोड्स हैं, वो कितनी होते हैं हमारी? 15% होती है हमारी। नियर है जो हमारा अनफिट जो बेस है वहाँ पे होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या आ जाता है हमारा? ब्रेस्ट कैंसर। देन उसके बाद हमारा जो हमारा डेमोमेट्रल जो सप्लाई है वो कैसे होती है हमारी? डेरमेटोमल सप्लाई कैसे होती है? ये हमारी फर्स्ट है हमारी C5, देन हमारी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9। और जो ये हमारी होलो पार्ट है जो हमने बात की थी आर्म फिट की, ये हमारा क्या है? हमारा आर्म फिट है, जो कि हमारा होलो पार्ट होता है हमारा सोल्जर का। देन उसके बाद हमारा डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिगेंस टू डेवलप एज अर्ली एज द 4th week, ये हमारा कब स्टार्ट होता है? हमारा 4th week में स्टार्ट होता है हमारा। एज डाउन ग्रोथ, डाउन ग्रोथ क्या होती है हमारी? जो कि ग्रोइंग होता है डाउनवर्ड जो ग्रो होती है स्ट्रक्चर में, उसे हम बोलते हैं डाउन ग्रोथ। फॉर ए थिकन मेमोरी रिजिड, जो कि कब ग्रो होती है? जो हमारी थिकेंड है मोटी है जो मेमोरी ग्लैंड है जो मिल्की लाइन है वो मोटी हो जाती है। ऑफ एक्टोडर्म, जो हमारी एक्टोडर्म की जो लेयर है ये क्या होती है? हमारी जर्म्स की लेयर होती है, ग्रुप होता है हमारा सेल्स का, जो कि अर्ली जो डेवलप होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक जो हमारी लाइफ एम्ब्रियोनिक जो लाइफ है वहाँ तब ये ग्रो होता है। ऑफ ऑल एनिमल्स, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है एक्सेप्ट जो मे बी स्पॉन्जेस होते हैं जो कि बेबी को बर्थ नहीं कर पाती। ओनली ये कब डेवलप होता है? जो कि हमारे मैमल्स होते हैं हमारे जो हमारे बेबी प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं में होता है। अलोंग ए लाइन फ्रॉम द एक्सिला, और ये लाइन होती है हमारे एक्सिला टू द इंडिकुलर जो हमारे इंजुटियल जो रीजन होता है वहाँ तक ये प्रेजेंट होती है हमारे। एक्जिला क्या होता है हमारा? जो हमने पहले भी डिस्कस किया था एक्जिला क्या होता है, जो हमारे अंडर होता है सोल्जर के, जो कि जॉइंट करता है हमारा आर्म को किसे कनेक्ट करता है? हमारा सोल्डर जिसे हम बोलते हैं। और इसमें क्या हमारा इंजुनियल जो रीजन होता है वो कौन सा हमारा होता है? जो कि लोकेटेड होता है हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल जो वॉल, जो ये क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है। विद द थाइल, ये हमारा क्या होता है? हाई इन्फ्रामिल होता है और जो पब्लिक करता है हमारी ट्यूबुलर मेडिकली जो है उसे प्रोड्यूस करता है। एंड जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है इलियक स्पाइन का ASISC से हम बोलते हैं उसे प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद आ गया हमारे जो सप्लीमेंट्री निपल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री निपल कौन से होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सिस में ऑफ द नॉर्मल से ज़्यादा जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। और इवन ग्लैंड्स और जो हमारी ग्लैंड्स हैं प्रॉपर में फॉर्म एट लोअर लेवल ऑफ दिस लाइन, जो हमारी प्रॉपर लेवल में जिनकी फॉर्मेशन होती नहीं होती इन लाइन्स की।
लोबुल फॉर्मेशन अकर्स ओनली इन फीमेल ब्रेस्ट, जो हमारे लोबुल की जो फॉर्मेशन होती है, लोबुल फॉर्मेशन कौन सी होती है जो कि हमारे स्ट्रक्चर करती है लीवर्स फंक्शन को, यूनिट्स को और लोबुल्स को, जो लोबुल्स को जो कि ब्लड करता है, एंटर्स करता है लोबुल्स के अंदर थ्रू ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू ऑफ द पोर्टल जो वेन होते हैं, हमारे पोर्टल जो वेन होते हैं उससे, एंड जो हमारे हेपेटिक आर्टरी होते हैं प्रॉपर, देन फॉलोज थ्रू सिनुसॉइड्स। इस लैक्टिफेरस डक्ट, जो हमारे लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिलीवरिंग के मिल्क को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन, जो हमारे मदर का जो सरफेस है वहाँ से आउट ऑफ द मदर से आउट कराने के लिए थ्रू टीनी पोर्स, जो हमारे टीनी पोर्स हैं उससे इन द निपल के अंदर। इस कनेक्टेड टू ए ट्री लाइक, इसमें क्या होता है हमारे ट्री लाइक जो है सिस्टम होता है इन इसके अंदर ऑफ डक्ट्स एंड लोबल्स। डक्ट्स कौन सी होती है हमारी, एक ट्यूब पैसेज होता है हमारा जो कि काम करता है हमारा एक्सक्रेशन और सिक्रेशन का, एंड लोबल्स, लोबल्स क्या होती है हमारी एक स्मॉल राउंड शेप होती है एंड फ्लैटिश प्रोजेक्टिंग होती हैं जो कि हैंडल करती है हमारे स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी भी पार्ट को। इंटरमिंग क्या होता है हमारा मिक्स जिसे हम बोलते हैं, एंड इनक्लोज्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू, और किससे इनक्लोज होते हैं हमारी कनेक्टिव टिश्यू से, टू फॉर्म ए लोब ऑफ द ग्लैंड, किसके फॉर्म के लिए, जो हमारा ग्लैंड है उसके फॉर्म के लिए ये मेक होते हैं ये। देन उसके बाद है हमारा एसेसरी जो ब्रेस्ट है, ये हमारा एसेसरी निपल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा द रिजल्टिंग नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जो हमारे रिजल्ट होते हैं हमारे नॉन जो लैक्टेटिंग मदर है जो कि लैक्टेट नहीं करती, ब्रेस्ट जो बेबी है उसको फीड नहीं करा पाती, हावर कंसिस्ट क्या करती है, कंसिस्ट करती है मोस्टली ऑफ फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू। ये क्या कंसिस्ट करती है, जो हमारे मोस्टली जो फाइब्रस हैं टिश्यू हैं या फिर जो हमारे फैटी टिश्यू हैं वो वेरिएशन इन साइज, उसमें जो साइज़ है उसमें वेरिएशंस आ जाता है, आर ड्यू टू ए वेरिएशंस इन द फैट कंटेंट, किससे आता है, जो हमारा फैट का जो कंटेंट है उससे वेरिएशन आता है। नॉट ग्लैंडुलर टिश्यू, जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू से नहीं आता, ग्लैंडुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि मिक्सचर होता है हमारा बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कौन सी होती है, हमारे हॉर्मोन सिक्रेटिंग होते हैं फीमेल्स के अंदर। इसका एग्जांपल क्या, हमारे स्वीट ग्लैंड्स आर कवर्ड इन द सेक्शन ऑफ स्किन, जो हमारे स्वीट ग्लैंड है वो कवर्ड होती है हमारी सेक्शन ऑफ स्किन से, विच इज़ वेरी स्पार्स। ये क्या होती है हमारी स्पार्स क्या होती है, हमारी जो थिनली जो स्ट्रेच होती है हमें डिस्पर्स होती है उसे हम बोलते हैं स्पार्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें जो एलवोलाई या फिर जो बर्ड है होता है हमारा ऑफ फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट, जो हमारे स्मॉलर डक्ट्स हैं उससे, एंड द ऑर्गन यूजली एनलार्जेस, और जो हमारा ऑर्गन होता है जो कि जनरली एनलार्ज होता है सिग्निफिकेंटली, और जो क्या जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंटली एंड मोर सो इन प्रिपेरेशन फॉर लैक्टेशन। ये किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, हम हमारे लैक्टेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए, जो हमारी आफ्टर जो गिविंग बर्थ है उसके बाद फीमेल्स के अंदर। व्हेन लैक्टेशन को सीज़, जो हमारा लैक्टेशन है वो सीज करता है, देयर इज इन्वोल्यूशन ऑफ सिक्रेटरी टिश्यू। इन्वोल्यूशन ऑफ सिक्रेटरी टिश्यू का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो हमारा श्रिंकेज होता है हमारा किसी भी ऑर्गन का इन द ओल्ड एज के अंदर, और व्हेन इनएक्टिव, और वो इनएक्टिव होता है। सिक्रेटरी टिश्यू कौन से होते हैं, हमारे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे एक्यूमुलेशन को ऑफ मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अकॉर्डिंग बाय प्रोडक्ट्स के अंदर, विच आर नॉट यूज टू रिजर्व सब्सटेंस, जो कि यूज़ नहीं करते जो रिजर्व सब्सटेंस है उसे। आफ्टर मेनोफेज, जो हमारा मेनोफेज है उसके बाद में प्रोग्रेसिव एट्रोपी ऑफ लोब्स एंड डक्ट टेक प्लेस। एट्रोपी कौन क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारी ग्रेजुअली जो डिक्लाइन होते हैं हमारी इफेक्टिवनेस की। तो उसके बाद हमारे मेल ब्रेस्ट कैसी होती है हमारी, रिजेंबल्स द, जो रिजेंबल क्या होता है हमारा, जो रावा होता है हमारा सिमिलर अपीयरेंस होती है हमारे टूल और लुक और सील लाइक, वो हमारे सेम होते हैं जो हमारे फीमेल ब्रेस्ट है उसके जैसी। उसके बाद हमारा रूडीमेंट्री फीमेल ब्रेस्ट है, जो हमारी रूडीमेंट्री फीमेल ब्रेस्ट क्या होती है हमारी, रिलेटिंग टू और इमेच्योर, जो कि हमारी इमेच्योर से मेच्योर होती है जो फीमेल के अंदर होती है, इमेच्योर होते हैं जो कि मेल्स के अंदर होती है। हैज़ नो लोबल्स और एलवोलाई, मेल ब्रेस्ट के अंदर ना ही कोई एलवोलाई होती है और ना ही कोई लोबल्स होती हैं उसके अंदर, प्रेजेंट नहीं होती मेल ब्रेस्ट के अंदर।
द स्मॉल निप्पल जो कि स्मॉल निप्पल होता है एंड एरोला लाई ओवर द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो कि लाई करता है हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को। इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा होता है? हमारा इंटर स्पेस होता है जो कि स्पेस होता है बिटवीन द रिब्स। रिब्स के अंदर देयर आर पैरेलल स्पेस ऑफ ईच साइड। ये क्या होता है? हमारा इक्वल स्पेस पैरेलल स्पेस होता है हमारा दोनों साइड में। एंड दे आर नंबर्ड, और नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द रिब, और रिब के अकॉर्डिंग उसका नंबर होता है। विच इज़ सुपीरियर बॉर्डर, इसका क्या होता है? हमारा सुपीरियर बॉर्डर होता है हमारा होता है स्पेस स्पेस के अंदर। देन उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द पर्पज ऑफ द हिस्ट्री इज़ नॉट डायग्नोसिस बट रिस्क असेसमेंट। इसका जो हम हिस्ट्री लेंगे उसका डायग्नोस जो है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि वो डायग्नोस फाइंड करें, बट जो रिस्क का जो असेसमेंट है उसे फाइंड करें। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट की, इज़ अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। वो क्या? हमारी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की इन मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर। ये क्या? हमारी ज़्यादा जो है हाई रिकॉग्नाइज्ड फैक्टर्स है हमारा ब्रेस्ट कैंसर का। मेनली क्या होता है? हमारा जो अर्ली ब्रेस्ट कार्सिनोमाज है, जो हमारे अर्ली स्टेज के जो कार्सिनोमाज है, आर ए सिम्टोमेटिक। उसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, पर्टिकुलरली इफ़ दे वर डिस्कवर्ड, जबकि वो डिस्कवर किए जाते हैं ड्यूरिंग ए ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, किसके? जो हमारा ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू। लार्जर ट्यूमर में प्रेजेंट, जो हमारा लार्ज ट्यूमर है वो प्रेजेंट होता है एज ए पेनलेस मास, जो उसका कोई पेनलेस मास नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है हमारा पेनलेस, पेन होता है उसके अंदर हमारे मास के अंदर। पेन और डिस्कम्फर्ट इज़ नॉट यूजली ए सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो हमारा पेन है या फिर जो हमारा डिस्कम्फर्ट है वो कोई साइन नहीं है, साइन एंड सिम्टम नहीं है हमारा ब्रेस्ट कैंसर का। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पेन है या डिस्कम्फर्ट है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओनली 5% ऑफ पेशेंट, जो हमारा 5% होता है पेशेंट के विद ए मैलिग्नेंट मास, जिनका मास है वो मैलिग्नेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी विद ब्रेस्ट पेन के अंदर। देन उसके बाद करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है? द गोल ऑफ द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का गोल है वो इज़ टू डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है ब्रेस्ट को कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। इफ़ नॉट एबनॉर्मल, अगर वो एबनॉर्मल है, एनी ऑफ आर फॉलोइंग में भी इंडिकेटेड, उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल कंसल्टेशन, जो हम उसे कंसल्ट करेंगे कि आपको सर्जिकल जो है सर्जिकल में जाकर सर्जरी में जाकर आपको कंसल्ट करना चाहिए। री एग्जामिनेशन एट डिफरेंट टाइम्स, आपको जो है दोबारा एग्जामिन करना चाहिए ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे डिफरेंट टाइम पे उसे एग्जामिन करना चाहिए। मेमोग्राम्स, मेमोग्राम्स क्या होता है हमारा? एज लाइक चेस्ट एक्सरे, जो हमारा चेस्ट एक्सरे है वैसा होता है। एंड अल्ट्रासाउंड, और हम उसे प्रेफर करेंगे कि आप अल्ट्रासाउंड करें। देन उसके बाद क्या हमारा? एडिक्वेट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एडिक्वेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा? सेटिस्फैक्ट्री हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, इज़ परफॉर्म्ड बाय केयरफुली इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। उसे हम बोलेंगे कि आपको सेटिस्फाई करना चाहिए इंस्पेक्शन, आपको इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आपको एग्जामिन करना चाहिए। एंड पल्पेशन, पल्पेशन क्या होता है? ये हमारा मेथड होता है फीलिंग का विद द फिंगर्स, अपने फिंगर से और हैंड से ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। दिस रिक्वायर्स ए रूटीन प्लान, ये क्या करता है हमारा? रिक्वायर करता है हमारा रूटीन प्लान को प्रोसीजर विथ सेवरल चेंजेस, हमारे जो हमारे चेंजेस होते हैं अलग अलग टाइम पे, जो हमारे डिफरेंट चेंजेस हैं पेशेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। एंड क्या करता है हमारा? मेटिकुलस जो पल्पेशन हमारा, मेटिकुलस क्या होता है हमारा? जो शोइंग करता है हमारा ग्रेट अटेंशन को डिटेल से। पल्पेशन जो हमारा होता है ऑफ द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जो हमारी पूरी जो ब्रेस्ट है उसके अंदर। विच कॉमनली कवर मोस्ट ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल, जो कि कवर करता है हमारा मोस्टली पूरी जो चेस्ट वॉल है उसे ही कवर करता है हमारा। देन उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? जो ब्लड है ब्लड टेस्ट करेंगे हम, सच है उसमें क्या आता है हमारा? कंप्लीट ब्लड काउंट, हम उसका हमारा पीपी कितना है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा सीबीसी कितनी, हमारी आरबीसीज कितनी हमारी। उसके बाद हम कराएंगे मीमोग्राम कराएंगे हमारे ऑफ द अदर ब्रेस्ट, और जो हमारी अदर ब्रेस्ट है उसे मीमोग्राम कराएंगे टू लुक्स फॉर साइन ऑफ कैंसर, जो कि हमारे साइन होते हैं हमारे कैंसर के। ब्रेस्ट एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट कराएंगे, बोन का स्कैन कराएंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटी स्कैन कराएंगे, पेट स्कैन कराएंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे कैसे?
टेस्ट एंड प्रोसीजर, जो हमारे टेस्ट जो प्रोसीजर है वो क्या काम करते हैं, यूज टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, हमारे ब्रेथ एग्जामिनेशन फर्स्ट क्या, हमारा फिजिकली हम फिजिकली चेक करेंगे, विल चेक बोथ द ब्रेस्ट, हम दोनों ब्रेस्ट को चेक करेंगे, एंड लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं उन्हें, एंड आर्मपिट, आर्मपिट क्या होता है, जो हमारा होलो पार्ट होता है हमारा शोल्डर के अंदर नीचे, फीलिंग ऑफ एनी लिम्प्स, जो हमारा फीलिंग करेंगे कि कोई भी लम्प प्रेजेंट है वहाँ पे नहीं है, और अदर एबनॉर्मलिटी, और जो हमारी अदर एबनॉर्मलिटी है उसे। तो उसके बाद हम करेंगे मेमोग्राम, मेमोग्राम क्या होता है, ये हमारा एज लाइक एक्सरे होता है हमारा, मेमोग्राम इज एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, मेमोग्राम क्या होता है, ये हमारा ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जो कि कॉमनली यूज होता है हमारी स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर को। इफ़ एन एबनॉर्मलिटी इज डिटैच, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटैच हुई है उन स्क्रीनिंग मेमोग्राम, स्क्रीनिंग करते टाइम मेमोग्राम के अंदर, डॉक्टर में रिकमेंडेड ए डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, तो डॉक्टर उसके बाद डायग्नोस्टिक मेमोग्राम प्रेफर करेंगे टू फर्दर इवेलुएट दैट एबनॉर्मलिटीज़, अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसे फर्दर इवेलुएट करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक मेमोग्राम प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे। उसके बाद है हमारा ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड यूजेस साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हमारी साउंड वेव्स यूज होती है टू प्रोड्यूस इमेजेस, जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर डीप विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर तक। अल्ट्रासाउंड में भी यूज टू डिटरमाइन वेदर अ न्यू ब्रेस्ट लंफ इज अ सॉलिड मास और ए फ्लूड फिल्ड साइट्स, इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, अगर आपको ब्रेस्ट लिम्फ है या फिर कोई सॉलिड मास है या फिर जो आपका फ्लूड फिल्ड जो सिस्ट है उसे हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग्जामिन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद आपका बायोप्सी ऑफ एफएनएसी, एफएनएसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये बायोप्सी इज द ओनली क्या होता है, हमारा बायोप्सी के अंदर जो ओनली डिफाइनाइट करते हैं हमारे वे टू मेक ए डायग्नोस्टिक ब्रेस्ट कैंसर, उसे हम डायग्नोट करेंगे, स्मॉल जो हमारी नीडल होती है उसे हम डायग्नोज करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को ड्यूरिंग ए बायोप्सी, बायोप्सी के अंदर जो डॉक्टर है वो यूज़ करता है स्पेशलाइज नीडल का यूज़ करता है, डिवाइस गाइडेड बाय एक्सरे, एक्सरे के थ्रू, एंड जो हमारे अनदर जो इमेजिंग टेस्ट है टू एक्सट्रैक्ट ए कोर ऑफ टिश्यू, और जो हमारा उसे क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे जो किस जो टिश्यू का जो पार्ट है वहाँ से, फ्रॉम ए सस्पिशियर एरिया, जो हमारा सस्पिशियर एरिया है वहाँ से, ऑफ्टन ए स्मॉल मेटल मार्कर इज लेफ्ट एट द साइट विद इन द ब्रेस्ट सो द एरिया कैन बी इजीली आइडेंटिफाई फॉर फर्दर इमेजिंग टेस्ट, अगर हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं वहाँ पे स्मॉल पार्ट को, साइट को, तो वहाँ पे हम उसे जो हमारे फर्दर जो इमेजिंग टेस्ट है हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेस्ट एमआरआई, एमआरआई कैसे करेंगे, एन एमआरआई मशीन, जो हमारी एमआरआई की जो मशीन है यूज़ करते हो मैग्नेट और रेडियो वेव्स को टू क्रिएट पिक्चर, क्रिएट करने के लिए जो हमारे पिक्चर्स है उससे क्रिएट करने के लिए ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ब्रेस्ट, हमारे ब्रेस्ट के अंदर तक। देन उसके बाद हम करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और रेगुलर एग्जामिनेशन ब्रेस्ट ऑन योर ओन, अगर हम इसे एग्जामिन करेंगे खुद से ही, कैन बी एन इम्पोर्टेंट वे टू फाइंड अ ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें इस ईजिली हो सकेगा इम्पोर्टेंट रोल फाइंड करता है हमें ये ब्रेस्ट कैंसर को फाइंड करने के लिए, व्हेन इट्स मोर लाइकली टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली, ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रीट हो सके सक्सेसफुली, व्हाइल नो सिंगल टेस्ट, इसमें कोई सिंगल टेस्ट नहीं होता, कैन डिटेच ऑल ब्रेस्ट कैंसर अर्ली, इनमें कोई सिंगल टेस्ट नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेच करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल बिलीव्स दैट, जो हमारा ब्रेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टिल बिलीव करता है जो हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है इज़ अ यूजफुल, ये एक यूजफुल है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्क्रीनिंग टूल के अंदर, स्पेशली व्हेन यूज इन कम्बिनेशन, जो कि हम यूज करते हैं कम्बिनेशन विद रेगुलरली फिजिकल एग्जाम, अगर हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे अपने ब्रेस्ट को एंड अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो इससे हम क्या कर सकेंगे, जो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे हम इजीली फाइंड कर सकेंगे थ्रू BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ईच ऑफ दी स्क्रीनिंग टूल, ये जो हमारे जितने भी स्क्रीनिंग टूल हैं जो क्या करते हैं वर्क इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग वे में डिफरेंट वे में वर्क करते हैं, एंड हैज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की कोई कमजोरी भी और इसकी वीकनेस भी है, ताकत भी है, कमजोरी भी और ताकत भी है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए कन्वीनियंट, ये क्या हमारा कन्वीनियंट है, नो कॉस्ट टूल, इसमें कोई कोस्ट नहीं लगती, पैसे नहीं लगते, दैट कैन यूज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस, और इसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं एट एनी एज, हम किसी भी एज में,
इट इज़ रिकमेंडेड टू दैट ऑल वुमेन, ये हम रिकमेंड करते हैं जो हमारी हर जो वुमेन है उसके लिए रूटीन परफॉर्म, इसे हम क्या करना चाहिए, हमें रूटीन परफॉर्म करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम, जो हमारी ब्रेस्ट है उसका सेल्फ एग्ज़ाम के लिए एज पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी। इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसे करेंगे, अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो हम अर्ली ही जो हमारी ब्रेस्ट कैंसर है उसे डिटेच कर सकेंगे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो हमारा ब्रेस्ट का जो सेल्फ एग्जामिनेशन है BSE हैज़ 5 सिंपल स्टेप, इसके 5 सिंपल स्टेप है, प्रोसीजर है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा पिनिंग बाय लुक एट योर ब्रेस्ट, हम अपनी जो ब्रेस्ट है उसको लुक करेंगे, कैसे करेंगे, इन द मिरर, मिरर के अंदर विथ योर शोल्डर, शोल्डर से स्ट्रेट एंड आर्म ऑन हिप्स, और हम अपनी जो हिप्स है उसको अपने जो हमारे आर्म्स हैं उनको अपने हिप्स पे रखेंगे। हेयर व्हाट यू शुड लुक फॉर, आपको क्या दिख रहा है, ब्रेस्ट दैट आर देयर यूजुअल साइज, जो आपका ब्रेस्ट है उसका यूजुअल साइज है, शेप एंड कलर, हम उसे एग्जामिन करेंगे। ब्रेस्ट दैट आर इवनली शेप, जो आपकी ब्रेस्ट है वो प्रॉपर शेप में है, विदाउट विजिबल डिस्टॉर्शन और स्वेलिंग, उसमें आपको कोई स्वेलिंग दिख रही है। डिस्टॉर्शन क्या होता है हमारा, जो कि एक्ट करता है हमारा ट्विस्टिंग को और अलर्टिंग को, सम टाइम आउट ऑफ इट्स ट्रू, कुछ टाइम के पे ये ट्रू भी हो जाता है हमारा। उसके बाद क्या है हमारा, इफ़ फाइंड एनी ऑफ द फॉलोइंग चीज़, अगर आप में इसमें कोई भी चेंजेस शो हो रहा आपके कलर में, साइज में, शेप में, तो ब्रिंग देम टू द डॉक्टर अटेंशन, तो आपको डॉक्टर की कंसर्न करना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। फर्स्ट है डिम्पलिंग, डिम्पलिंग क्या होता है हमारा, जो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल डिप्रेशन इन द फ्लैश, फ्लैश के अंदर, फ्लैश क्या होता है हमारा मास्क के अंदर। पकरिंग, पकरिंग क्या होता है, पकरिंग वो स्मॉल फोल्ड्स होते हैं हमारे, टाइटली गैदर होते हैं। बल्गिंग ऑफ द स्किन, बल्गिंग क्या होता है, स्वेलिंग होता है हमारी आउटवर्ड्स। ए निपल दैट हैज़, जो चेंज होता है हमारा पोजिशन के अंदर, और एन इन्वर्टेड निपल, और जो इन्वर्टेड निपल होता है पुश्ड इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ स्टिकली आउट। रेडनेस हो जाती है हमारी, शोरनेस हो जाती है हमारी, रैश हो जाती है, और हमारी स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर। देन उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कैसे हम एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा स्टेप सेकंड, नाउ रेज योर आर्म्स, हमें उसके बाद क्या करना है, अपनी आर्म को रेज करना है ऊपर की तरफ, एंड लुक फॉर द सेम चेंजेस, और वो जो हमने स्टेप वन में जो चेंजेस एग्जामिन किए थे कलर, साइज, शेप में, वही स्टेप हम इसमें देखेंगे हैंड को रेज करके। ये आपका डायग्राम है, आपको कैसे करके चेक करना है हमारा जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट का वो। तो उसके बाद हमारा स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड के अंदर क्या हमारा, व्हाइल यू आर एट द मिरर, अगर आप मिरर के सामने हैं, लुक फॉर एनी साइन ऑफ फ्लूड, अगर आपको कोई भी साइन दिख रहा है फ्लूड का, कमिंग आउट ऑफ वन और बोथ निपल, अगर आपको एक या दोनों निपल से दिख रहा है, दिस कुड बी ए वॉटरी, अगर वो वॉटरी है मिल्की, या फिर येलोइश फ्लूड है, और या फिर ब्लड है। आप ये जो है हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का ये हमारा स्टेप थर्ड, आपको कैसे एग्जामिन करना है इसका डायग्राम है। फिर उसके बाद आपका स्टेप फोर, स्टेप फोर के अंदर क्या हमारा, नेक्स्ट फील योर ब्रेथ व्हाइल लाइंग डाउन, अगर आपको ब्रेस्ट को फील करेंगे लाइंग डाउन पोजीशन में नीचे लेट के, यूजिंग योर हैंड, आपको राइट हैंड को यूज़ करेंगे टू फील योर ब्रेथ, लेफ्ट ब्रेथ आपको राइट हैंड से लेफ्ट को फील करेंगे और लेफ्ट से राइट को। यूज़ ए फर्म, आपको फर्म का यूज़ करना है, फर्म क्या होता है, ये हमारा हैविंग अ सॉलिड, मतलब जो आपको सख्त होता है, जिसे आप बोलते हैं, मतलब ये टाइट है, स्मूथ टच, बिल्कुल स्मूथ से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, विद द फर्स्ट फ्यू फिंगर, जो आपके आगे की जो फिंगर्स हैं, जो टिप्स हैं उससे, पैड्स योर हैंड, जो आपके हैंड से उससे, कीपिंग द फिंगर्स फ्लैट, आपको आपकी जो फिंगर से फ्लैट करना है, एंड टुगेदर और इकट्ठा करना है, यूज़ ए सर्कुलर मोशन, और इसे आपको सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है। अबाउट द साइज ऑफ द क्वार्टर, जो आपका क्वार्टर जो आपने एग्जामिन किया था, आपने क्लॉक में डिस्कस किया था हमने, आप कम स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, साइज ऑफ ए क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर ओवर द एंटायर, कवर करते हैं हम इसमें जो हमारी एंटायर ब्रेथ है उसे कवर करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक, साइड टू साइड, दोनों साइड से, फ्रॉम योर कल, जो हमारा कॉलर बोन है, कॉलर बोन कौन सी है हमारी, जो कि ब्रेक करती है हमारी इन द बोन, बोन के अंदर जो कि कनेक्ट होती है हमारी ब्रेस्ट बोन के अंदर और हमारे सोल्जर के अंदर, टू द टॉप ऑफ योर एबडोमिन, जो आपका एबडोमिन का जो टॉप है वहाँ तक,
एंड फ्रॉम योर एम्प्रिट, और जो आपकी एम्प्रिट है, जो हमारा होलो पार्ट है हमारा आर्म शोल्डर के अंदर, टू योर क्लीवेज, जो आपका क्लीवेज है, एक शार्प जो डिवीजन है वहाँ तक। फॉलो ए पैटर्न, हम उसमें फॉलो करेंगे पैटर्न को, टू बी श्योर दैट उसमें श्योर हो गए यू कवर द होल ब्रेस्ट, उसमें आप श्योर होंगे कि आपने फुल जो ब्रेथ है उसमें उसको कवर किया है, यानी टॉप से लेके बॉटम तक और दोनों साइड से। यू कैन बिगिन एट द निपल, आपको बिगिन करना है निपल तक, मूविंग इन लार्जर एंड लार्जर सर्कल, आपको स्मॉल सर्कल से लार्जर सर्कल की तरफ आपको मूव करना है, आउटसाइड की तरफ आपको मूव करना है निपल से, अनटिल यू सर्च द आउटर एज ऑफ द ब्रेस्ट, आपको जो है रीच करना है आउटर एज तक, अब जो ब्रेस्ट की जो आउटर एज है वहाँ तक। यू कैन ऑल्सो मूव योर फिंगर, और उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी फिंगर से उसको मूव करना है अप टू डाउन, अप से ऊपर से नीचे तक, वर्टिकली इन रोज के अंदर, एज इफ यू वर मूव इन ए लोन। दिस अप एंड डाउन अप्रोच सीम्स टू वर्क बेस्ट टू मोस्ट वुमेन, ये क्या काम करता है, ये सीम्स करता है काफ़ी सारे जो वुमेन्स हैं उसके अंदर, ये बेस्ट वर्क जो है ये अप से डाउन तक ये काफ़ी सारा यूज़फुल हुआ है, ये काफ़ी सारा हेल्पफुल हुआ है। बी श्योर टू फील ऑल द टिश्यूज़, आपको फील लगे जो आपके जो सारे टिश्यूज़ हैं, फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक, जो फ्रंट है बैक से, फ्रंट से लेके बैक तक, ऑफ योर ब्रेस्ट, जो आपकी ब्रेस्ट है उसमें, ऑफ द स्किन, और जो आपका टिश्यू है जस्ट बीनीथ, वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। यूज़ लाइट प्रेशर, आपको लाइट प्रेशर यूज़ करना है, यूज़ मीडियम प्रेशर यूज़ करना है, फॉर टिश्यू इन द मिडल ऑफ योर ब्रेस्ट, जो आपकी मिडल जो ब्रेस्ट है उसमें जो टिश्यू है वहाँ तक। यूज़ फर्म प्रेशर, आपको फर्म प्रेशर है वो यूज़ करना है, जो सॉलिड है वो यूज़ करना है, फॉर ए डीप टिश्यू के अंदर, इन द बैक में, When you have reached the deep tissue, अगर आप deep tissue तक पहुँच गए हैं, you should be able to feel down, आपको feel है, feel करेंगे आपको down तक, to your rib cage, आपकी जो rib cage है उसके अंदर। यह आपका जो step है 5 है हमारा breast self examine का, ये आपका step है, आपको कैसे करना है आपका breast self examine, ये दिखा रखा है, जो आपको inner से nipple से लेकर outward तक ऐसे ऐसे आपको करना है breast का जो self examination है वो। देन उसके बाद आपका स्टेप फाइव के अंदर क्या हमारा जो फाइनली है, जो फील होता है योर ब्रेस्ट वाइल यू आर स्टैंडिंग और सीटिंग, आपको खड़े हुए हो या लेटे हुए हो। मैनी वुमेन फाइंड दैट द अर्लीस्ट वे टू फील देयर ब्रेस्ट, जो मोस्टली जो वुमेन है वो फाइंड कर लेती है ईजिएस्ट वे से टू फील देयर ब्रेस्ट इज़ वैन देयर स्किन इज वेट, अगर उनकी स्किन वेट है, सूखी है एंड स्लिपरी, अगर वो कुछ ऐसे कुछ मानते हैं कि जो कुछ वुमेन मानती है कि जो आप अगर आप गिले हैं या फिर आप अगर स्लिपरी हैं, अगर आप उसमें हैं वॉशरूम में है, तो आप ये ईजिली कर सकते हैं ड्यूरिंग द शावर टाइम, सो दे लाइक टू डू दिस स्टेप इन द शावर, तब वो करती है आपके शावर के टाइम पे वो करते हैं इस स्टेप को। कवर योर एंटायर ब्रेस्ट, आप अपनी एंटायर ब्रेस्ट को कवर करके, यूजिंग द सेम हैंड्स मूवमेंट डिस्क्राइब इन द, जो आपने स्टेप 4 में डिस्क्राइब किया था उसी सेम प्रोसीजर को आप करेंगे। स्टेप 4 में जो स्टेप आपने डिस्क्राइब किए थे सेम स्टेप 5 के अंदर करना है। देन उसके ये हमारा स्टेप 5 का जो प्रोसीजर है वो है, जो यो राउंड है जो निपल से आउटसाइड की तरफ ऐसे ऐसे ही राउंड करना है ड्यूरिंग द शावर टाइम। कुछ वुमेंस मानते हैं क्या हमें शावर के टाइम ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसे, तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद हम नोट करेंगे जो हमारे स्पेसिफिक जो पैटर्न्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के, कौन कौन से हमारे स्पायरल हो गया, हमारा रेडियल हो गया, और जो हमारा वर्टिकल स्ट्रिप जो पैटर्न है उसके अंदर। द वर्टिकल जो स्ट्रिप पैटर्न है इस करेंटली, वो क्या होता है हमारा करेंटली होता है हमारा वैलिड होता है हमारा टेक्निक फॉर डिटेचिंग ब्रेस्ट मास, वो क्या करते हैं हम इसे जो हमारा ब्रेस्ट का जो मास है हम उसे अर्ली डिटैच कर सकते हैं। इनहेंस ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस, इसमें क्या कर सकते हैं हम इनहेंस कर सकते हैं हम ब्रेस्ट की जो सेल्फ एग्जामिनेशन है इस एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो आपके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो है अर्ली स्टेज में वो डिटैच कर सकते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर को। द अवेयरनेस ऑफ समटाइम्स, आप जो कई बार जो अवेयरनेस है काफ़ी टाइम्स रोंग हैज़ बीन शोन, वो रोंग हो जाते हैं, गलत शो हो जाती है, टू कलर जो वो उसे हम कलरेट करते हैं विद 50-70% ऑफ वोमेन सब्सिक्वेंटली फाउंड टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, वो क्या करती है हमारे जो
50-70% जो वुमेन है वो सब्सिक्वेंटली फाइंड करते हैं हमारी ब्रेस्ट कैंसर को। कंपेयरिंग द फाइंडिंग इन बोथ ब्रेस्ट, जो हम कंपेयर करते हैं बोथ ब्रेस्ट को, मेल हेल्प वो क्या हेल्प करती है हमारी, अस्टेन करती है व्हाट इज़ नॉर्मल टू द पेशेंट, जो कि नॉर्मल है हमारे पेशेंट के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो वुमेन है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप हैं अपनी जो ब्रेस्ट है उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करें, ताकि आपको जो है अर्ली जो सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के वो आप इजीली डिटेच कर सकें। सो हमने किया है हमारा असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो अगली फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह। सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।